हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। गांव सैदपुर चटोला व फिरोजपुर बांगर की राजस्व संपदा में विकसित अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। सैदपुर में 2 अवैध कॉलोनियों में 4 एकड़ में बने कच्चे रस्ते व 10 DPC 6 बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। गांव जटोला में अवैध कॉलोनी में 7 एकड़ में बने कच्चे रस्ते को किया ध्वस्त। फिरोजपुर बांगर में 2 दुकानों व 1 बाउंड्री वॉल पर चला पीला पंजा। उपायुक्त ललित सिवाज के निर्देश अनुसार जिला नगर योजनाकार सोनीपत द्वारा गांव सैदपुर जटोला व फिरोजपुर बांगर की राजस्व संपदा में 4 एकड़, 7.5 एकड़ व 1 एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनियों में जिला प्रशासन की मदद से ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार ने बताया कि भारी भरकम कार्यवाही के अंतर्गत गांव सैदपुर में 2 अवैध कॉलोनियों में 4 एकड़ में बने कच्चे रस्ते व 10 DPC 6 बाउंड्री वॉल तथा गांव जटोला में अवैध कॉलोनी में 7 एकड़ में बने कच्चे रस्ते व फिरोजपुर बांगर की 2 दुकानों व 1 बाउंड्री वॉल पर तोड़फोड़ की कार्यवाही कर अवैध निर्माण कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। DC ललित सिवाज ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी में भू माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना होने दें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कॉलोनी निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतु HSVP कॉम्प्लेक्स सेक्टर 15 स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय में प्रथम तल पर किसी भी कार्य दिवस में जाकर संपर्क किया जा सकता है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान सहायक नगर योजनाकार कम ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंजू तथा फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद रहे। 3 बेटियों की मां की प्रताड़ना के बाद जलने से मौत। गोरठ निवासी एक महिला की जलने से मौत हो गई, जिसके पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसंडा जिला झज्जर निवासी रणवीर सिंह का कहना है कि उसने अपनी बेटी पिंकी की 12 वर्ष पहले गोरठ के रहने वाले युवक के साथ की थी। उसकी बेटी के पास 3 लड़कियां थी। बेटा न होने के चलते उसकी बेटी को ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था, जिसे लेकर हुई पंचायत में वह माफ़ी मांग लेते थे। रणवीर सिंह का आरोप है कि करीब 10-15 दिन पहले भी प्रताड़ित पिंकी ने 100 नंबर पर कॉल की थी, जिसके बाद वह उसे मायके ले गए आए थे। 20 जून को ही उसका बेटा पिंकी को ससुराल छोड़ने आया तो पिंकी ने यह डर जाहिर किया था कि ससुराल वाले उसे कहीं मार न दें, जिस पर उसके बेटे ने समझाया था कि उसकी बहन के साथ कोई हादसा हुआ तो हम माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन दामाद ने फ़ोन कर उन्हें सूचना दी कि पिंकी ने खुद को आग लगा ली। लेकिन उन्हें कभी PGI रोहतक तो कभी खरखुदा बुलाया गया। वह PGI रोहतक पहुँचे तो वहाँ उन्हें पिंकी नहीं मिली। उनके पहुँचने के बाद पिंकी को लेकर ससुराल पक्ष PGI पहुँचा, जहाँ पर पिंकी की मौत हो गई। रणबीर सिंह का आरोप है कि उसकी बेटी को साजिश के तहत जलाकर मारा गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले किया और शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पुल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज, प्लूरोड्रोसिस एंड इंट्राप्लूरल फिब्रिनोलोसिस, चेस्ट एंड एयरवेज डिजीज, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड स्लीप स्टडी विद डिप्रेशन, एलर्जिक डिजीज एंड एलर्जी स्किन टेस्टिंग, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। प्लीज़ कॉन्टैक्ट डॉक्टर अविनाश चौहान। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डायल 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।